ढोल बजाने से मना करने पर एक होटल संचालक को चाकू मार कर घायल कर दिया। घुंगरू नामक बदमाश ने हरकत की है। इस दौरान होटल में तोड़फोड़ भी की गई। चाकूबाजी की ये घटना नानाखेड़ा थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुई। दमदमा में रहने वाले 42 साल के विनोद ओरिडे यहाँ उज्जैन दरबार लजीज खाना नाम से होटल संचालित करते हैं। फुर्सत के समय में वे ढोल बजाने का काम भी करते हैं। शनिवार रात जयसिंहपुरा में रहने वाला उनका साथी घुंगरू और हर्ष अपने साथियों के साथ यहाँ ढोल बजाने के लिए साथ चलने का कहने लगा। ग्राहकी का समय होने से विनोद ने जाने से मना किया तो आरोपी नाराज हो गए और मारापीटी शुरू कर दी। इसी बीच उन्होंने चाकू निकालकर विनोद पर हमला बोल दिया। आरोपी और फरियादी आपस में रिश्तेदार हैं और रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। ये लोग शादी ब्याह या सार्वजनिक समारोह में साथ ही ढोल बजाने का काम करते हैं। घायल विनोद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एक महिला ने बताया, मैंने उनको बुलाया समझाने के लिए, तो ये बोल तो इधर आ क्या हो गया, मेरा वो भी भतीजा है, भाई का लड़का है वो। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? पता नहीं, लड़ाई तो वो इसलिए वो फोन लगा रहा था कि आ जा ढोल बजाने, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं काम छोड़ के कैसे जाऊँ। अच्छा, कोई पुराना विवाद तो नहीं? नहीं, 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 कुछ भी नहीं है। तो बस वो कह रहे क्यों नहीं, तो बोले मैं देख लूंगा तेरे को। अच्छा, उसने बोला मैं वही आ रहा, तो उसने बोला आ जा। मैंने कहा तू अपना काम कर, मत बोल कुछ भी। ढोल बजाने के लिए बुलाया था दीदी? अच्छा, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार है, वो बहन का भाई नहीं जी, ये भी रिश्तेदार है, ये मामा है हमारे साथ।